तो भाई मैं इधर ही हमारी सामने वाली गली में आया था और ये अबे झंडा देखा था मैंने, अच्छा ये ऊपर झंडा है और ये फुल बच्चों है, ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सारी मेहनत मेरी बस देख रहे थे। झूठा झूठा सबकी मेहनत, ओए ये हरकत है नहीं की। तो भाई यहाँ पे फुल बच्चों ने सजा दिया। आज 13 अगस्त की रात है, आज 13 अगस्त की रात है, कल है 14 अगस्त। तो क्या क्या प्लान है भाई कल आपका? आप गली में आओगे, आप कान बंद करके आना। ओए यार बाजे वाला सीन नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा केक कट करने के लिए आओगे ना? केक कट करने भाई 12 बजे आ जाना। बहुत ही गरीब है इंसान। रात को 12 बजे काट रहे हैं आज। आज रात 12 बजे आज तो हम पे जाएंगे। ओए पागल हो, बाइक स्टार्ट कर दिया भाई, बहुत सपाटर बच्चे है आगे, लेकिन सजाया बहुत अच्छा है। सारी मेहनत मेरी, बस पों 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 नहीं करना बस। दिखाओ अभी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। वाला भाई निकालने वाला। अच्छा लग रहा है, बचपन में यार हम भी बड़ी हरकतें करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए, थोड़ा मैच्योर हो गए, समझ रहे हैं आप। लाइटें मैंने नहीं लगाई। ओ भाई बिग फैन, कहते हैं आप तब हम आपके चैनल सारे वीडियोस देखते हैं। गुड गुड, ये जबरदस्ती दिखाते। अबे भाई सच्चाई नहीं बतानी थी। ये एसवाईडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत, सस्ता चैनल है। क्या बोल लो? हलीम वाली देखी थी। कर दो यार सब्सक्राइब, बच्चे को कर दो एसवाईडी चैनल, कर दो भाई, बता दो भाई। चलो भाई शर्मा रहे नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा था चैनल का नाम है एसआईडी चैनल, लाके सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह कर पर से जल्दी आ जाएगी। और नशेड़ी भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? आप 14 का साले दिन भी नशे करेंगे? नहीं उस दिन माफ, उस दिन माफ है, उस दिन महंगे वाले करेंगे। क्या वो क्या मजे के क्या दिखाने गए हैं मुझे तमाशा होने वाला है? वो बाजा लेने गए बड़ा वाला मेरे ख्याल से। हेलो अबे यार ये फंगारिया नहीं गए हो? जो पागल भाई क्या लिया है, ये नहीं करो पागल, मोहल्ले वाले बाहर आ जाएंगे। ओए तू तो बस मेरे कान में आके बजा रहे। अबे भाई बहुत फंटर बच्चे हैं आगे इस गली के। चलो घर निकलते हैं, फिर बताता हूँ आपको सीन। तो भाई ये बच्चों ने तो भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया बाजे बजा बजा के। यार ये पहली फुर्सत देने के बाजे बैन होने चाहिए। हम लोग भी बचपन में करते थे, वो मुझे याद है, वो पता नहीं झंडिया वाले खरीदी लाते थे, फिर वो आटे की क्या आती थी, वो गिलू टाइप, वो लई शायद बोलते थे, वो बनाते थे, उससे बड़ा चिपकाते थे, बड़े मजा आता था। लेकिन आजकल के बच्चे तो भाई पाओ पाओ पाओ। लेकिन ये वाहिद बच्चे हमारे इलाके में जिन्होंने तकरीबन कुछ करा तो है, कम से कम कल के आज शायद केक चेक भी काटेंगे सबसे पैसे जमा कर करके। और बाकी जश्न आज़ादी फेस्टिवल, जश्न आज़ादी के रंग, हफीज़ नईम के संग खसूसी खिताब, हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी, 13 अगस्त वक्त रात 8 बजे बच्चों के मुकाबले में बहुत से इनाम। वाह भाई वाह, तकारीर की मिली नगमा, पाकिस्तान की कहानी, मूवी शो, फेस पेंटिंग, वाह 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 वाह। और क्या है भाई, टैलेंट शो कहाँ पर है? वाटर पम्प चौरंगी फेडरल वी एरिया। देखा है ना, ये तो अभी रात में वहाँ पे जाने का प्लान है, अगर दोस्त शोस्त आ जाते हैं तो फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ पे भी जाके ज़रा देखते हैं क्या इंतज़ाम करा हुआ है, आतिशबाजी होती है नहीं होती, अगर नहीं गए तो नहीं गए, चले गए तो चले गए, वो आप देख लेंगे। इधर आओ। क्यों मैं जा रहे हो बाजे? क्यों मैं जा रहे हो? ओ भाई बस कर दो, क्यों मैं जा रहे हो बाजे? शर्म नहीं आ रही? नहीं। पाकिस्तान किसने मनाया था? अच्छा पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था पता है? किसने? अल्लामा इकबाल ने। बहुत तरक्की करोगे बेटा, बाजे बजाओ। चलो मुस्तफा अब्बा के कान के पास जाके बाया बजा रहे हैं, यही हम होते हमारे अब्बा कान के नीचे दूला वाले। अबे हमारा दवाला अलग था। ये देखें यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो, ये ए लिखा हुआ है, जी यू लिखा हुआ है, ये पता है आज से तकरीबन है, तकरीबन होगी ये 6-7 साल पुरानी बात, ये आपका भाई लिखता था। बड़े करिए ये हरकत है। पाकिस्तान से तस्दीक है।
यहाँ पे तबाही हो रही है। यहाँ पे पोपो चल रही है, पोपो पाकिस्तान आजाद हुआ था पता है ना, आज हुआ था। बहुत शोर है, अंदर तो ये हरकत करने जा रहा है। यार एक से एक नमूने भरे हुए कसम से, ये भी एक नमूना देखा उसको। अरे यार कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लाता है भाई, जाके पॉप और पॉप Pakistan!
इसको उदयपुर बच्चों का बाजा पकड़ के आ गया। यार तो कल रात को ना वो जो मेरे जलसे में जो बाजों ने मेरे दिमाग खराब करा था, एक तो मेरी गली के बच्चों ने, वहाँ पे मेरी तबीयत ना अभी देखें अभी भी बजा रहे हैं बार बच्चे, अभी तकरीबन सुबह के 12 बज रहे हैं और मैंने सोचा यार मेरी ना तबीयत ना थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों शायद मौसम चेंज होता है ना मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड करूँगा, लेकिन अभी नहीं एंड कर रहा, अभी दो तीन बातें करनी है, क्योंकि मैंने सोचा था आज ही पूरे दिन बनाऊँगा लेकिन ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही और फिर ना फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं जो है ना दो इंपॉर्टेंट बात करनी थी, सबसे पहले तो ये कि ना मेरी वीडियोस बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं यार, तो झंडियाँ लगाओ, मैं भी झंडियाँ लगाता था, मैं भी अपने घर के बाहर लगाता था, लेकिन ना मेरी एक बात सुन लो कि ना झंडियाँ ना फौरन 14 अगस्त ख़त्म हो तो खुद ही अपने हाथों से उतार लो, भले ही 15 अगस्त को 16 अगस्त को जब भी हो लेकिन अपने हाथों से उतार लो, क्योंकि वो जो खुद गिलू हट के जब नीचे गिरता है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि झंडियाँ कभी पाँव की नीचे आ रही होती है, कभी गाड़ी की नीचे आ रही होती है, तो यार ऐसा नहीं करो, सही है बच्चों जितने भी देख रहे हैं मतलब जिन्होंने लगाई है तो खुद ही अपने हाथों से निकाल लो, अभी शौक पूरा करो फिर निकाल लो। और दूसरी बात ये कि बस कुछ भी नहीं है, दूसरी बात ये है कि आप बस सब्सक्राइब कर देना ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी है, और लाइक भी ज़रूर करना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, 14 अगस्त की मुबारकबाद ही दे देना यार, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ही करता हूँ मैंने देखा है, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूरी है, सब्सक्राइब करो क्योंकि इस साल हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है, और लाइक भी ज़रूरी है, सही है, और बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो, अभी बच्चे पाँव लगे हुए हैं, तो सही है भाई, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, और मेरी बात जो भी मैंने बोली है वो याद रखना, अपने हाथों से फोन निकालना, बाय बाय, टाटा।